और इस तरफ वाले जो हैं वो ये हैं ओके तो जो आपके सबसे पहले ईस्ट साइड के कोस्ट हैं उसमें मिलेगा आपको कोरिन, तमिलनाडु में एन्नोर मिलेगा तमिलनाडु में चेन्नई मिलेगा तमिलनाडु में वहीं बात करोगे हल्दिया और कोलकाता की तो ये मिलेंगे आपको वेस्ट बंगाल में पारादीप मिलेगा ओडिशा में ठीक है और विशाखापटनम मिलेगा आंध्र प्रदेश में पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार का है कोची केरला कांडला गुजरात मंगलौर कर्नाटका मार्मू गोवा गोवा में है मुंबई में महाराष्ट्र में है ये तो ठीक है मुंबई वगा और जवाहरलाल नेहरू भी आपका कहाँ पर है महाराष्ट्र में है ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे आप इमेज के थ्रू इनको समझ सकते हैं आर्टिफिशियल जहाँ पे लिखा हुआ है वो ये हैं जो है जो मैन मेड है ठीक है नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट इज नाथुला पास सिचुएटेड तो नाथुला पास पड़ता है आपका देखो नाथुला जेलेपला ये दोनों सिक्किम के अंदर हैं तो ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये आपको याद करना है ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं ठीक है ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन हैं आपके ऐसे के पहले जम्मू कश्मीर वाले सारे देख लो काराकोरम जो वैसे लद्दाख मान सकते हो अभी जो चेंज हो गया है उसके हिसाब से पर जो आपकी पुरानी लूसेंट है ना उनमें अभी भी आपको जम्मू कश्मीर लिखा हुआ मिलेगा तो काराकोरम आपका जम्मू कश्मीर पीर पंजाल जम्मू कश्मीर बनिहाल जम्मू कश्मीर बुरजिल जम्मू कश्मीर और जो ज़िला मिलेगा आपको लद्दाख में ठीक है शिपकिला रोहतांग और बालालाचा ये तीनों मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में लिपुलेख और माना ये मिलेंगे आपको उत्तराखंड में देखो ये वाले और ये वाले यानी कि हिमाचल प्रदेश और यूके वाले उत्तराखंड वाले इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है तो उनको अच्छे से देख लिख लिख करके याद कर लेना उसके अलावा आपका नाथूला जेलिपला ये है सिक्किम के अंदर बोमडिला है आप ये बोमडिला है बोडिला नहीं है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है इसमें बॉमडिला है आपका अरुणाचल प्रदेश में और यांगया बे है आपका अरुणाचल प्रदेश में अगर आप इतना याद कर लेते हो ना तो क्वेश्चन में एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को कर पाओगे अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम बोरीबदूर मुंबई टू थाने वॉज रन ऑन विश गेज तो जो ट्रेन की पटरी होती है वो तीन गेज में बटी हुई होती है सबसे पहले आपकी ये वाली जो चली थी सबसे पहली जो ट्रेन चली थी हमारी वो चली थी ब्रॉड गेज में ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो 16 अप्रैल 1853 इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वहीं वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1825 में चली थी ठीक है लेवरपुल से मैनचेस्टर तक चली थी वर्ल्ड के अंदर तो उसको याद रखना और भारत में चली थी मुंबई से थाने ओके और ये ब्रॉडगेज ट्रैक था ब्रॉडगेज की यहाँ पे मिलीमीटर के हिसाब से लिखा हुआ है ठीक है इसको आपको याद करना है आजकल एसएससी जो है इस फॉर्म में देने लगी है एम में तो ब्रॉड गेज होता है मीटर गेज होता है और नैरो गेज होता है सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स मिली वन थाउजेंड मिली ठीक है और सिक्स टेन मिली ओके तो इसको याद रखना इसके अलावा ये भी याद रख सकते हो जो पहली थी उसमें चार सौ पैसेंजर थे और उसने कवर किया था चौंतीस किलोमीटर का सफर ओके okay? बस इसमें यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड तो ये है आपका नाइल ठीक है नाइल रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट है यहाँ पे है विच इज द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड करेक्ट आंसर इज ए पैसिफिक ओशन नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया है ना ऑस्ट्रेलिया डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे है विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड तो करेक्ट आंसर इज बी एंजिल फॉल ठीक है और ये पड़ता है आपका वेनेजुएला साउथ अमेरिका में नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम तो ये आपकी बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में ठीक है यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दी हुई है इसको आपको अच्छे से रट लेना है रबी क्रॉप की बात करेंगे तो अक्टूबर से मार्च में खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो जुलाई से अक्टूबर और जायद क्रॉप जो होती हैं वो होती हैं आपकी मार्च टू जून अब इनमें कौन कौन सी चीजें उगाई जा रही हैं जैसे कि वीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है ये रबी क्रॉप का हिस्सा है और इसके बाद आपका बारले मस्टर्ड सीसम और पीज ये सारी बोई जाती हैं आपकी रबी की क्रॉप के साथ खरीफ में आपका ज्वार राइस मिलेट मेज़ सोयाबीन ठीक है ये सारी आपकी बोई बोई जाती हैं खरीफ क्रॉप में और जायद में आपका जब हम देखेंगे तो इसमें आपका वाटर मेलन कोकुम्बर मस्क मेलन सनफ्लावर शुगर केन इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी जायद क्रॉप्स होती हैं ठीक है मार्च टू जून नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज़ नो बाउंड्री तो करेक्ट आंसर है बी ठीक है मंगोलिया के साथ टच नहीं होता क्योंकि वो एरिया अलग है सबसे पहले देखेंगे हम अफग़ानिस्तान उसकी कैपिटल है आपकी काबुल ठीक है और जो भारत का स्टेट या फिर यूटी जो टच होता है वो है आपका लद्दाख ठीक है और लद्दाख का भी पीओके वाला जो पार्ट है वो टच होता है अफगानिस्तान को 106 किलोमीटर की सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ ठीक है बांग्लादेश की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल है ढाका जो स्टेट हमारे टच होते हैं वो है आपके वेस्ट बंगाल मेघालय मिज़ोरम त्रिपुरा और असम ठीक है प्लीज सारे याद कर लेना मैं बना बना करके याद कर लेना अच्छे से भूटान की राजधानी है थिम्पू वेस्ट बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और असम ये स्टेट यहाँ पे टच होते हैं वहीं चाइना की बात करेंगे तो कैपिटल बीजिंग है ही लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश ये सारे राज्य यहाँ पे टच होते हैं और सिक्किम भी हैं है। म्यांमार की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है यंगोन ठीक है इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिज़ोरम और मणिपुर नेक्स्ट आपके पास नेपाल नेपाल की कैपिटल काठमांडू इसके साथ नीचे टच होता है आपका बिहार यूके यूपी सिक्किम वेस्ट बंगाल ओके क्योंकि एरिया ही इसका ऐसा है ऐसे करके पूरा जाएगा तो कवर कर लेता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे स्टेट पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब राजस्थान और गुजरात याद रखना पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा जो टच होती है भारत के राज्य की वो है आपका राजस्थान ठीक है श्रीलंका जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी है ठीक है और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इसकी कोलंबो और ये सेपरेट होती है इंडिया के साथ गल्फ ऑफ मन्नार से नेक्स्ट है यहाँ पे ये रीजन है वो सारे आप देख सकते हैं नेक्स्ट द नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज करेक्ट आंसर इज डी इसको कोरोमंडल बोला जाता है ठीक है मैंने पीछे लिस्ट लिखवाई थी पूरी फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट कोस्ट प्लेन की बात करेंगे इंडिया के तो गुजरात से लेके गोवा तक के तट को बोलते हैं कोंकण ये वाला जो लिस्ट है ना ये वाला पेज जो है आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझ के याद कर लेना हमेशा कन्फ्यूजन होती है भूल जाते हैं और वहां या तो दो नंबर या ढाई नंबर चला जाता है हमारा गोवा से कर्नाटक बोलते हैं कैनरा कोस्ट कर्नाटक से केरला तक का है मालाबार कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो कन्याकुमारी से ही कृष्ण डेल्टा तक का है कोरोमंडल कोस्ट ठीक है कृष्ण डेल्टा से गोदावरी तक है आपका गोल्ड गोलकोंडा कोस्ट और नॉर्दर्न कोस्ट पार्ट से गोदावरी डेल्टा तक बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार कोस्ट ओके नेक्स्ट यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं ये कोस्ट का मैप है कौन सा एरिया मैंने बताया है यहाँ पे एग्जैक्टली exactly सारे लिखे हुए हैं ठीक है चिल्का लेक नॉर्दर्न सरकार ये वाला एरिया हो गया मैं आपको ध्यान से समझ लेना ठीक है जो ये रेड कलर के साइन लग रहे हैं ना ये सारी आपकी लेक्स हैं जो आपकी कहाँ पे बनी हुई हैं कोस्ट पे बनी हुई हैं ठीक है तो को तो ध्यान रखना तो इसके हिसाब से आपको एक फैक्ट और ये समझ में आता है कि कोस्टल एरिया में भारत के पास टोटल तीन लेक्स हैं ठीक है वन टू एंड थ्री समझ में आ गया यहाँ पे आपका ये आंध्र कोस्ट और कुछ छोटे बड़े जो सारे लिखे हुए हैं इसको याद रखना नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाइएस्ट क्वान्टिटी इन डिगबोई माइन्स तो डिगबोई में आपका क्या मिलता है करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम ठीक है डिगबोई असम का है इसमें कुछ टाइम पहले फायर हुआ था आग लगी थी ठीक है और ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है बॉम्बे हाई भी पेट्रोलियम के लिए फेमस है और सबसे पहले ये बना था सिंह भूमि की बात करेंगे तो झारखंड ये आयरन ओर के लिए है रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में कोल के लिए झरिया झारखंड में ये भी कोल के लिए है कोडरमा की खाने ये भी झारखंड में है और ये बॉक्साइड के लिए है ठीक है कोलार कोलार या फिर हट्टी की जो खाने हैं ये आपकी कर्नाटक में पड़ती हैं गोल्ड के लिए नेक्स्ट आपके पास पन्ना एमपी ये डायमंड मिलता है यहाँ पे और ज्वार राजस्थान जो जावर है जावर माइंस ये आपका ज्वार था ये जावर है जावर माइंस मिलेंगे आपको राजस्थान के अंदर जिंक के लिए ओके नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ तो ये है आपका डी अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है आपका कर्ण प्रयाग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ प्रयाग हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग विष्णु प्रयाग की बात करेंगे तो धौली गंगा और अलकनंदा यहाँ पे मिलती हैं नंद प्रयाग की बात करोगे तो नंदाकिनी और अलकनंदा यहाँ पे आकर के मिलती हैं कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलक और अलकनंदा मिलती हैं देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देखो आप मैप को मैं मैप भी दिखा के समझा देता पर इनको रटने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास ठीक है तो रटना पड़ेगा बैठ कर के अच्छे से देखो मैप सामने रखो और फिर रटो नेक्स्ट हैं इन विच स्टेट गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स लोकेटेड तो ये हैं आपकी मेघालय के अंदर ठीक है मेघालय में है यहाँ पे पूरा ये मैप मैंने लगा दिया है कौन कौन सी ट्राइब कहाँ पे मिल रही है एक एक स्टेट के हिसाब से लिख करके इनको रट लेना आजकल यही पूछी जा रही हैं ठीक है कोई सा भी गंदा सा नाम उठा करके आपको दे देंगे अब बोलेंगे कोरवा ठीक है कोरवा ट्राइब कहाँ की है तो ये लिखा कोरवा अब कोरवा ट्राइब है उड़ीसा की ठीक है इस तरह से कुछ भी बोल देंगे कि स्वांगला अब ये स्वांगला ट्राइब ये लिखा हुआ सुंगला ट्राइब कहाँ की है हिमाचल प्रदेश की है ना इनके टर्म समझ के आ रहा है कि स्टेट वाइज कोई टर्म चेंज हो रहा हो ठीक है कोई सा भी कहीं भी आ जाता है तो इनको रटना पड़ेगा ठीक है भील धोदिया दिया गोंड सिद्दी बोर ये सारी गुजरात की हैं अब देखो गुजरात में भी ट्राइब मिल रही हैं तो याद तो करना पड़ेगा एक एक स्टेट करके याद करना चालू करो ठीक है या फिर अगर इसके ऊपर स्पेसिफिक एक एक ट्राइब पे क्वेश्चन चाहिए तो वो आप कमेंट में बताइए कि सर इस का वीडियो बना दो तो एक एक क्वेश्चन बना दूंगा मैं हर एक ट्राइब के ऊपर स्टेट वाइज ठीक है पर याद तो वहाँ पर भी करना ही पड़ेगा नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ त्रिपुरा की वेस्ट बंगाल की ठीक है पूरे हमारे ट्वेंटी एट और एट मिला कर के सब कुछ यहाँ पे दे दिया है ट्वेंटी एट मतलब स्टेट और आठ यूटी ठीक है विच स्ट्रेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका तो ये जो आपको ये है आपकी पाक स्ट्रीट डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है ये देना था मेरे को जरूरी वो क्वेश्चन सबको पता ही है अब जैसे कि पाक स्ट्रेट ये पाक बे और बे ऑफ बंगाल इन ये जॉइन होता है यहाँ पे और जो लोकेशन है वो है इंडिया और श्रीलंका ठीक है युक्तन स्ट्रेट है नॉर्थ चैनल है जैसे ये आयरिश आयरिश सी और अटलांटिक सी को मिलाता है ठीक है आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके ठीक है जैसे आपका मलक्का स्ट्रेट हो गई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को मिलाती है यहाँ पर ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ती है नॉर्थ चैनल की बात करोगे ये तो हमारा हो गया है अब मलक्का हो गया सुंडा स्ट्रेट ये जावा सी और इंडियन सी को मिलाती है ठीक है और ये इंडोनेशिया वाला एरिया है इसके बाद आपका बॉसोरा स्ट्रेट देख लो तो ब्लैक सी और मरमरा सी ये इनको मिलाती है टर्की के पास का हिस्सा है पूरा ठीक है तो इसको आपको देखना पड़ेगा एक बार नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर इन इंडिया तो ये है आपका नेशनल वाटर वे वन यहाँ पे देख सकते हो नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं पहले की बात करोगे तो प्रयागराज से हल्दिया तक का जाता है इसके बाद नेक्स्ट है जो टू है ये है सादिया टू धुबरी ठीक है ब्रह्मपुत्र रिवर थ्री जो है ये है आपका कोल्लम और कोटापुरम फोर में आपका काकीनाडा साथ में मरकनम और वाटर वे है आपका तलचर से धामरा तक ठीक है और सिक्स बात करता है लखीपुर से भांगा तक इसके बाद है आपका स्वेज कनाल कनेक्ट विच टू स्टेट तो स्वेज कैनाल जोड़ती है आपके मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को ठीक है यहाँ पे कुछ कैनाल्स हैं इसको याद रखो जैसे कील कैनाल ये जर्मनी में है केपी कैनाल इंडिया की है ठीक है और यहाँ पे स्टेट दिख लिए हैं तो इनको याद रखना स्वेज कैनाल की बात करेंगे तो ये इजिप्ट में है सू कैनाल यूएसए लेक सुपीरियर और लेकुर को जोड़ती है पनामा ये पनामा में ही है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन साथ में जो कैरेबिन सी का हिस्सा है वो भी इसमें टच होता है ठीक है मैनचेस्टर कैनल ग्रेट ब्रिटेन में है काहे का ग्रेट वोल्गा डॉन हैनल जो है ये है आपकी रशिया में और इवी कैनल है यूएसए में गोटा कैनल है आपकी स्वीडन में ठीक है नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है न्यू वाटरवे जो है ये जर्मनी के अंदर पड़ता है नॉर्थ सी और रोटो डैम को ये जोड़ता है ओके इसके अलावा फर्स्ट सेंसर्स इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन द ईयर तो ये हुई थी आपकी 1972 में ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंसस ये मेयो के काल में हुई थी तो इसको याद रखना और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की बात करोगे तो 1881 में ये हुई थी रिपन के काल में ठीक है और इसको ये पहला सिंक्रोनाइज सेंसस था और इसके बाद 1901 से अभी तक ये कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है 2011 में हमारी पंद्रहवीं सेंसस थी सेवेंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हाँ ये धायर सी बात है आजादी के बाद का ये सातवां था और स्लोगन ऑफ द सेंसेस क्या था आवर सेंसेस अवर फ्यूचर यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड अब हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू